फैमिली कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपने अपने फैमिली के साथ बहुत खुश होंगे तो अभी जो टाइम हो रहा है ना ढाई से तीन बज रहा होगा और हमारे घर में सभी लोग लंच कर लिए हैं बस मैं नहीं की थी क्योंकि मुझे मन नहीं कर रहा था आज ना पूरे अपने घर डीप की डीप क्लीनिंग की हूँ ना तो मुझे थक जाती हूँ ना तो मुझे उस समय खाने का मन नहीं किया था तो मैं सोची चलो बाद में खा लूँगी खाने का मन करेगा तो तो यहाँ पर ना सियास सो गई थी और मैं आज अपने घर में ना जितना पर्दा वगैरह था सभी धो दी थी और ऊपर से मतलब झाड़ कर घर का अच्छे से डिप क्लीनिंग की थी और उसका वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि जब काम में लग जाते हैं ना तो करते रहते हैं जब से काम ख़त्म नहीं होता है तो दूसरा काम करने का मन नहीं करता है और हमारा बाबू छोटा है ना तो समय दे कर काम करना पड़ता है तो हस्बैंड थे घर पर तो इसीलिए मैं डिप क्लीनिंग कर ली हूँ वरना मुझे बहुत कम टाइम मिलता है क्योंकि अंश रोता फिरता रहता है ना इधर उधर तो अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ पर मैं सिया का सोकर जगी थी तो उसका बाल थोड़ा सा उलझ गया था तो मैं इसके बाल में तेल डाली हूँ और तेल डालकर अच्छे से मसाज कर कर मोटे वाले कंघी से झाड़कर फिर पतले वाले कंघी से झाड़ती हूँ क्योंकि इसका बाल कर ली है ना तो बहुत घिसता है और रोने लगती है और अभी इसका बाल मैं ठीक कर दी हूँ और ये थोड़ा सा ही कपड़ा था जो मैं हाथ से कल धोई थी तो सूख गया था क्योंकि काफ़ी अच्छा हवा चल रहा है ना तो हवा की वजह से कपड़ा सब सूख जा रहा है तो मैं सोची चलो अंश सोए हैं तो कपड़ा भी फोल्ड कर लेती हूँ और उनके पापा भी सोए थे तो मैं कपड़ा भी फोल्ड कर लेती हूँ और जैसे अंश ना बहुत लेट मतलब चलना चालू किए थे तो जैसे अभी ना कहीं भी चढ़ जाते हैं और बहुत परेशान करते हैं वहीं जैसे हॉल में मेरा रेख है तो वो पर चढ़ जाते हैं कभी कभी ऐसा होता है ना कि पैर फिसल जाता है ना तो वो गिर जाते हैं तो काफ़ी चोट लग जाता है उनको सर में तो बहुत दुख होता है क्योंकि आप दिन भर संभाल कर चलते हो अच्छे से बच्चे को देखते हो ये बच्चे गिर जाता है ना शाम तक कभी एक बार दिन में तो बहुत ज़्यादा दुख होता है तो इसीलिए जब अंश होते हैं ना तब तो बाकी जो एक्स्ट्रा काम होता है वो मैं कर लेती हूँ बात की जो अंश जगह रहते हैं तो जो ज़रूरी काम होता है वही करती हूँ वरना मैं सारे काम छोड़ देती हूँ क्योंकि अभी अंश को देखना बहुत जरूरी है और हमें लगता है ना अंश को थोड़ा सा पैर में मुझे लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिन पर चल रहे हैं ना तो वो लड़खड़ाते रहते हैं अभी अंश दो साल के भी नहीं है ना अठारह मंथ के ही हैं तो यहाँ पर मेरा कपड़ा फोल्ड हो गया है ना तो फिर मैं अपना अलमारी में रख दूँगी और जिसका जहाँ पर है वहीं पर मैं सेट करके रखती हूँ कि कभी लाना हो तो कोई भी जाए तो कपड़ा अच्छे से मिल जाए और यहाँ पर ना मैं नाइट के लिए सब्ज़ी निकाल रही थी और मैं दो सब्ज़ी निकाल लूँगी एक कल के लिए जैसे मॉर्निंग में मैं वॉकिंग चली जाती हूँ ना तो फिर आकर लेट हो जाता है कट करने में सब्ज़ी तो मैं बीन्स भी निकाली हूँ और भिंडी भी निकाल दी हूँ दोनों को मैं कट कर लूँगी और देखूँगी आज नाइट में क्या बनाऊँगी और मैं कल क्या बनाऊँगी तो यहाँ पर मैं सब्जी कट करने के लिए चाकू ढूंढ रही थी ना तो सिया डांस कर रही है टड्डी के लिए और सिया ना आज एक थप्पड़ खा भी ली है क्योंकि ना आ, काम कर कर, कर कर थक जाते हैं ना और बच्चे परेशान करते हैं ना तो कहीं के गुस्सा कहीं निकल जाता है तो आज वही मेरे साथ हुआ क्योंकि सिया ज़्यादा कुछ गलती नहीं की थी मगर मैं घर का काम कर रही थी ना तो मेरा दिमाग इधर उधर था और मुझे परेशान कर रही थी जैसे पलंग वगैरह खोलो ना तो टड्डी दिखता है कुछ भी दिखता है तो वो निकाल कर फैलाने लगती और जगह यही है और अलमारी मेरे पास दो ही है आजकल ना थोड़ा कपड़ा रखने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है तो उसी लिए मैं उसको गुस्सा से एक थप्पड़ मार दी थी क्योंकि हम जैसे बच्चे बढ़ते गए ना तो इस तरह से कपड़े भी बढ़ते जाते हैं तो और मेरे पास जो दो आप लोग अलमारी देखे हैं ना जो रूम में ही बनाया हुआ है वही अलमारी एक्स्ट्रा मेरे पास अभी कोई अलमारी नहीं है और हम गए भी थे शुरुआत में आप लोग देखे होंगे एक जगह गए भी थे अलमारी देखने तो जो पसंद आ रहा था ना तो वो मेरा बजट में नहीं था और जो और जो बजट में था ना वो पसंद नहीं आ रहा था तो इसी की वजह से हम लोग नहीं लिए थे और घर आ गए थे और यहाँ पर ईशा डांस कर रही है तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ईसा डांस कर रही हैं और ईसा बहुत अच्छा डांस करती है और जैसे अभी मैं सब्जी कट कर ली हूँ और फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि अभी नहीं बनाऊँगी अभी तीन या चार बज रहा होगा तो मैं ये जो लंच सभी लोग कर लिए थे ना तो उसके बाद मैं बर्तन धो दी थी और इसको भी एक टोकरी में सेट कर दूंगी और सिया इसी तरह से घूमती रहती है और सिया का हम लोग प्यार से सिया बोलते हैं ऐसा इसका नाम ईसा है तो हम लोग घर में ऐसे सिया बोलते हैं बाकी सभी लोग ईसा ही बोलते हैं इसको तो यहाँ पर मैं बर्तन सब सेट कर दी हूँ और अभी मैं स्लेब पर कपड़ा मार लूँगी क्योंकि जो मेरा फिल्टर है ना उसका पानी स्लेब की तरफ आता है थोड़ा थोड़ा तो मैं इसको अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ और मैं अब भी दो दिन हुआ मैं अपने फ़िल्टर का कवर मंगाई थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं ऑनलाइन ही मंगाई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छा मिल गया था और ज़्यादा प्राइज भी नहीं था तो मैं ले ली थी और यहाँ पर मैं अपने लिए थोड़ा सा खाना निकाल लूँगी और तो पनीर का सब्ज़ी चावल और दाल बनाई थी आलू पनीर की सब्ज़ी खाली पनीर की सब्ज़ी मेरे घर में बहुत कम बनता है तो आलू बच्चे के लिए डालना पड़ता है तो यहाँ पर मैं बस पनीर की सब्ज़ी और चावल ही लूँगी दाल नहीं लूँगी फ्रेंड्स मैं मधु स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल ई फैमिली ब्लॉग्स में कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे तो अभी पाँच बज गया है इवनिंग का तो मैं अभी सब्जी कट कर ली थी उसके बाद खाना खा ली थी उसके बाद बैठी थी हस्बैंड के साथ थोड़ा देर और अभी मैं नाइट का खाना बनाऊंगी और आज थोड़ा सा जल्दी बना लूँगी खाना क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं ना कि नाइट में भी जैसे हस्बैंड जा रहे हैं टहलने तो आज हम लोग बोल रहे थे कि आज लोग हम लोग भी जाएंगे उनके साथ तो इसीलिए थोड़ा जल्दी बना दूंगी और हस्बैंड भी बोले थे कि मुझे जल्दी खाना बना देना क्योंकि आठ बजे तक मैं खाकर कर टहलने जाऊँगा और वो भी दो तो तीन दिन से ही नाइट में जैसे खाना जल्दी खा लेते हैं उसके बाद वो टहलने चले जाते हैं तो इसिया और अंश दोनों बहुत खुश हैं कि आज पापा के साथ हम लोग को टहलने जाना है और अभी मैं किचन में आ गई हूँ यहाँ पर मैं कढ़ाई गरम होने के लिए रखी हूँ और मेरा कढ़ाई गरम हो गया है ना तो इसमें मैं सरसों के तेल ऐड की हूँ और सरसों का तेल मेरा गरम हो जाएगा तो इसमें मैं जीरा ऐड करूँगी और आज मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ आलू और बीन्स की क्योंकि मेरे घर में ना जो दाल बना था दोपहर में वो रखा हुआ है तो यहाँ पर मैं लहसुन डाली हूँ उसके बाद मैं प्याज डाली हूँ और प्याज को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी और उसके बाद मैं इसमें टमाटो ऐड कर दूंगी तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब इसमें मैं जो टमाटो कट करके रखी थी उसको ऐड कर दी हूँ और टमाटो को भी डालकर अच्छे से चला लूँगी और उसके बाद ना मैं थोड़े देर के लिए टमाटो को ढक दूँगी और ढकने से ना जल्दी टमाटो गल जाता है तो इसीलिए मैं ढक दी हूँ एक से डेढ़ मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ तो अच्छे खासा मेरा टमाटो गल गया है इसमें मैं मसाला ऐड कर लेती हूँ मसाला में हल्दी पाउडर है और थोड़ा सा धनिया पाउडर है और सब्ज़ी की मसाला है और रेड मिर्चा पाउडर है और इतना ही मसाला मैं ऐड की हूँ इसके बाद मैं डालकर अच्छे से मसाला को भून लूँगी और भूनने के बाद मैं इसमें जो कट कर के रखी हूँ ना आलू और बींस तो उसको भी मैं डाल दूँगी और आंच बिल्कुल स्लो कर दी हूँ क्योंकि अच्छे से मुझे भुनना है पानी नहीं डालना है इसमें क्योंकि मुझे सूखी सब्जी बनानी थी ना क्योंकि दाल भी था दोपहर में जो बनाई थी तो बच गया था तो आलू और बीन्स को डाल दी हूँ और डालकर अच्छे से चला लूँगी और चलाने के बाद इसमें मैं नमक भी ऐड करूँगी क्योंकि नमक डालने से ना सब्ज़ियाँ थोड़ा जल्दी सीन जाता है तो यहाँ पर मैं नमक ऐड कर दी हूँ और नमक ऐड करने के बाद चला लूँगी और चलाने के बाद ना मैं इस सब्ज़ी को ढक दूंगी क्योंकि ढक दूंगी ना तो जल्दी पक जाएगा दो से तीन मिनट के बाद मैं चेक करूंगी ये सब्जी को तो देख सकते हैं मेरा सब्ज़ी बन के रेडी हो गया है और मैं एक कलछी की सहायता से आलू को चेक कर लेती हूं तो आलू मेरा अच्छे खासा सिंज गया है और बींस भी सिंज गया है तो बन गई है मेरी आलू और बीन्स की सूखी सब्जी आप देख सकते हैं और आज का हम लोग का नाइट का डिनर था दाल और रोटी और आलू और बीन्स की सूखी सब्जी आज की वीडियो मेरी तक थी पसंद आई होगी तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा